सतना जिले के उचेहरा में बीते दिन प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया था। इस दौरान साइकिल रैली निकालकर प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। जिस वक्त पुतला दहन किया जा रहा था तभी पुलिस से झूमा झपटी हो गई, लिहाजा पुलिस को भी मामूली चोट आई थी, जिसके बाद थाना पुलिस ने 15 लोगों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी पर IPC की धारा 147, 186, 353, 332 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी बात को लेकर आज नागौर विधानसभा से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोग SP से मिलने SP ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आज SP ऑफिस आए आपको नदादा लक्ष्मण, कल उचेहरा में प्रदेश सरकार और जिला अध्यक्ष के हमारे उचेहरा के सभी कांग्रेस के साथी भाई अपना रैली निकाले, काला शोक मनाए, उसी समय पुतला दहन कर रहे थे तो एक सिपाही अपना पुतला छुड़ा के और गिर पड़ा अपने आप फिसल के, तो पूरा 353 पूरे अपराध कायम हो गए हमारे सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर। उसको उसमें SP साहब के यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष महोदय दोनों और हम सब लोग जितने कांग्रेस के लोग हैं उचेहरा ब्लॉक के सभी लोग आए थे ज्ञापन देने कि इस तरह की कार्रवाई जिन जो लोग नहीं थे उनके भी नाम और ना हम लोग की कोई मानसिकता थी वहाँ के कार्यकर्ताओं की, कोई उनके ऊपर उत्तेजित हुआ हो, साधारण वे में वो स्लिप हो गया, उसके थोड़ा चोट लग गई और उसके बाद 2 घंटे बाद मुकदमा कायम हो गया। 353 332 जैसे जघन्य अपराध कायम किए गए, जबकि किसी की न मानसिकता थी या न कोई बात थी, उसी के उसमें ज्ञापन देने हम सब लोग आए हैं और यदि सही न्याय न होगा तो हम लोग आगे और आंदोलन करेंगे। बाकी हमारे दिलीप मिश्रा जी से आप बात कर लें।